आपने कई मूवीज में ऐसे किरदारों को देखा होगा जिनके पास कुछ अजीबोगरीब शक्तियां होती हैं। वे इन शक्तियों का इस्तेमाल या तो लोगों की भलाई के लिए करते हैं या बुराई के लिए। अब आप कहेंगे ये सिर्फ मूवीज हैं, ऐसा रियलिटी में थोड़े ही होता है। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रियल लाइफ में भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि वे अपने दिमाग के एक हिस्से का प्रयोग करके ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिन्हें लोग आज चमत्कार मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस तरह के चमत्कार करना वास्तविक जीवन में पॉसिबल है। इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो आत्माओं से बात करने, हवा में उड़ने या फिर आपके मन की बातों को जानने का दावा करते हैं? अगर हाँ तो आप इसका जवाब बेहतर तरीके से जानते होंगे। खैर, मैं आपको बता दूं कि विज्ञान अब तक इस तरह की शक्तियों के पीछे का राज पता नहीं लगा पाया है, या कहे वो इन पर बिलीव नहीं करता है। लेकिन दुनिया में इन शक्तियों से जुड़ी घटनाएं कई बार घटित हो चुकी हैं। बायोलोकेशन। जरा सोचिए, अगर आप एक ही समय में दो स्थानों पर मौजूद रहें तो आपके लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं जिनके पास इस तरह की अद्भुत शक्ति होने की बात सामने आई है। इनमें से एक थे व्लादिमीर लेनिन और दूसरे एलिस्टर क्राउली। दोनों से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें यह बात सामने आई है कि वे एक ही समय पर अलग अलग जगह मौजूद थे। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों ने खुद ऐसी बात कभी नहीं मानी कि उनमें ऐसी शक्तियां हैं, और इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी सामने नहीं आ पाया है। टेलीपैथी। आपने इस तरह के असाधारण शक्तियों के बारे में कई कहानियों और फिल्मों में देखा और सुना होगा, लेकिन वॉशिंगटन में रहने वाले इरविंग बिशॉप और स्टुअर्ट क्यूमरलैंड के बारे में ज्यादातर लोग ये दावा करते हैं कि ये टेलीपैथिक हैं। ये दोनों किसी भी व्यक्ति को देखकर ये बता देते हैं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, और आज तक इनका कोई भी अनुमान झूठा साबित नहीं हुआ है। इस बारे में ये लोग खुद कहते हैं कि हम लोग सिर्फ लोगों के हाव भाव को देखकर ही उनसे जुड़ी बातें जान लेते हैं। हालांकि वैज्ञानिक टेलीपैथी को विज्ञान का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन 2014 में डॉक्टर मिचेल बर्ग और डॉक्टर एलेक्जेंड्रो रियरा नाम के दो वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन ने इस क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी थी। Clairvoyance। इस क्षमता के तहत व्यक्ति एक समय में भविष्य और इतिहास से जुड़ी कई घटनाओं को देख सकता है। विक्टर रेस वो नाम है जिसने सबसे पहले क्लेयरवॉयंस से लोगों को अवगत कराया था। ये व्यक्ति एक किसान था। इसने बाद में लोगों की परेशानियों और बीमारियों को दूर करने का कार्य शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति इन कार्यों में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता था। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने ये दावा किया था कि अगर कोई इससे जुड़े तथ्यों को सामने लाएगा या इस बात को साबित करेगा तो वे उसे काफी पैसा देंगे, लेकिन कोई भी उससे जुड़े तथ्यों को सामने लाने में कामयाब नहीं रहा। खैर, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो भविष्य और इतिहास को देखने का दावा करते हैं। टेलीकिनेसिस। अगर आप किसी चीज को बिना उसे छुए उसे मूव कर सकें तो उसे टेलीकिनेसिस कहते हैं। 1984 में अमेरिकी सेना ने इस उम्मीद के साथ कि इससे सेना की ताकत बढ़ाई जा सकती है, इस पर रिसर्च शुरू किया, लेकिन उन्हें रिसर्च से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। हालांकि 130 साल के अनुसंधान के बाद पियर लैब का वैज्ञानिक समुदाय इस शक्ति के होने पर विश्वास करता है। ऑटोमेटिक राइटिंग। इस बात पर विश्वास किया जाता है कि राइटर्स के दिमाग में कुछ बातें अपने आप ही आ जाती हैं जिन्हें वो लिख देता है। अगर आप इस बात को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप प्लैंचेट और ओइजा बोर्ड के बारे में पढ़ सकते हैं। शर्लॉक होम्स के निर्माता सर आर्थर कॉनन डॉयल ने भी इस बात की पुष्टि की थी। एम्पैथी। जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करता है तो उसे एम्पैथी कहते हैं। आप में से कई लोग शायद ऐसे होंगे जो अपने करीबी की भावनाओं को खुद ब खुद समझ जाते हैं। एडगर केस कहते हैं कि इस तरह की क्षमता रखने वाले व्यक्ति वो लोग होते हैं जिन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा होता है, या फिर वो लोग जो पुनर्जन्म का दावा करते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन। आपने मेडिटेशन करने वाले कई लोगों को ये दावा करते सुना होगा कि उन्होंने एस्ट्रल ट्रेवल किया है, यानी वे थोड़े समय के लिए अपने शरीर से निकल कर बाहर इस यूनिवर्स में ट्रेवल कर दोबारा इस शरीर में लौटते हैं। रॉबर्ट मोनोयर ने इस तरह के अनुभवों पर एक किताब भी लिखी है जो बेहद प्रसिद्ध हुई थी।
यहाँ तक कि उन्होंने इस तरह की रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूशन भी खोला था। ये शक्ति असल में इंसान में होती है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को छोड़कर बाकी वैज्ञानिक इन बातों पर बिलीव नहीं करते। लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँच पाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस यहाँ अपलोड करता रहता हूँ।